कहानी की शुरुआत में हम जूई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कमरे में महान ड्रैगन हंटर योद्धा गॉथिक का खेल खेल रही होती है। तभी वहाँ उसके अंकल लॉर्ड आर्नोल्ड का आदमी गिल्डास आता है जो उससे कहता है कि उसके अंकल उसे खाने पर बुला रहे हैं। उसके बाद गिल्डास आर्नोल्ड के पास जाता है जो अंधा होता है और उसे बताता है कि उनके विश्वसनीय योद्धा अभी तक वापस नहीं आए। दरअसल आर्नोल्ड दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैगन वर्ल्ड गोबलर को मारने के लिए अपने जाबाज योद्धाओं को भेजा होता है, लेकिन कोई भी योद्धा लौट के वापस नहीं आए होते हैं। और वो लोग बातें करते हुए डाइनिंग टेबल के पास पहुंच जाते हैं जहां जूई पहले से ही बैठी होती है। डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद आर्नोल्ड गिल्डास से कहता है कि कोई भी उसके साथ रहने को तैयार नहीं है, ना जाने कब उसका राज्य फिर से हरा भरा होगा और ना जाने कब वर्ल्ड गोबलर मारा जाएगा। दरअसल उसका और उसके राज्य की यह हालत ड्रैगन गोबलर ने ही की होती है और उस ड्रैगन की डर की वजह से ही उसके साथ कोई रहना नहीं चाहता था। उसके बाद आर्नोल्ड कहता है कि काश उसका एक भतीजा होता तो वो उसे ड्रैगन हंटिंग के कुछ तरीके बताता। ये बात सुनकर जूई खुश हो जाती है और अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि आप मुझे ड्रैगन हंटिंग सिखाइए। तो आर्नोल्ड कहता है कि ड्रैगन हंटिंग छोटे लड़कियों की बस की बात नहीं। तभी एक बिगुल की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनने के बाद जूई दौड़ती हुई बाहर जाती है तो वहाँ देखती है कि उसके ग्रैंडफादर का एक योद्धा ग्रेमी आ रहा है और जब ग्रेमी उनके पास आता है तो वो वहीं जमीन पे गिर जाता है। आर्नोल्ड उससे पूछता है कि क्या तुमने वर्ल्ड गोबलर को मार दिया, क्योंकि उसे दिखाई ही नहीं देता था। तो गिल्डास उसे बताता है कि ग्रेमी मारा गया, उसमें सिर्फ उसकी राख है। तभी उन्हें खतरे की एक और बिगुल सुनाई देती है जिसको सुनने के बाद जूई कहती है कि हमें बहादुर योद्धा की जरूरत है। तो जूई के ग्रैंडफादर उसे अपने कमरे में जाने को कहते हैं और इधर जब जूई अपने कमरे में पहुंचती है तो कहती है कि हमें सिल्वर योद्धा गौथिक को बुलाना होगा। और जूई अपने कमरे की खिड़की से होकर वहां से योद्धा गौथिक की तलाश में निकल जाती है। उसके बाद हम इस कहानी के मेन कैरेक्टर लियानचू को देखते हैं जो मर्मुले नाम के एक ड्रैगन से लड़ रहा होता है। दरअसल मर्मुले ड्रैगन एक कीड़ा होता है जो वहाँ के किसानों के खेतों को बर्बाद कर रहा होता है। तो लियानचू पैसे के लिए उसे मारने की कोशिश करता है और वहीं उसका दोस्त ग्विज़्डो उसका हौसला बढ़ा रहा होता है, लेकिन वो लोग कोई ड्रैगन हंटर नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ के किसान लियानचू की बेवकूफियों को देखकर हंसने लगते हैं। लेकिन किसी तरह लियानचू अपने डॉगी की मदद से उस ड्रैगन को मार देता है। तो उसे मारने के बाद लियानचू का दोस्त ग्विज़्डो उनसे पैसे मांगता है तो एक किसान उससे कहता है कि तुम लोग कोई योद्धा नहीं बल्कि बेवकूफ जोकर लग रहे हो, देखो तुम्हारे दोस्त ने उनके खेतों की क्या हालत कर दी। ये कहकर वो किसान उन्हें पैसे देने से मना कर देता है और वो किसान उन्हें अपने खेतों से बाहर चले जाने को कहते हैं। तभी वहाँ लियानचू का डॉगी आ जाता है जो अपने मुंह से आग उगलता था। ये देखकर वो किसान डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम लियानचू उसके डॉगी और ग्विज़्डो को देखते हैं जो रात में आग जलाकर बैठे होते हैं और लियानचू अपने लिए कपड़ा बुन रहा होता है। दरअसल उस लड़ाई के दौरान उसके कपड़े फट गए होते हैं। बुनाई करते वक्त लियानचू ग्विज़्डो से कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो, तो वो लियानचू से कहता है कि तुम कभी सीरियस क्यों नहीं होते, तुम तो बेकार ही जोकर की तरह यहाँ से वहाँ लड़ते रहते हो। ग्विज़्डो उसके डॉगी का मिसाल देते हुए उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए जिससे सभी लोग डरे। तो लियानचू उससे कहता है कि क्या सबको मारने से ही बहादुर बनते हैं। तो इस पर ग्विज़्डो गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ से उसका बुनाई का सामान छीन कर कहता है कि तुम्हें लगता है कि एक बहादुर हंटर बुनाई का काम करता है, ये सब बूढ़ी दादियों का काम है। तो लियानचू उसके इस बात पर गुस्सा हो जाता है और अपना बुनाई का सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल बुनाई उसे उसकी मॉम ने सिखाया था जिनसे लियानचू बहुत प्यार करता था और बचपन में एक हादसे के दौरान उसकी मॉम और डैड की मृत्यु हो गई थी और उसकी मॉम की आखिरी निशानी के तौर पर उसके पास वही बुनाई का सामान बचा था। और लियानचू ग्विज़्डो से दूर जाकर अपने बचपन की यादों में खो जाता है। तभी वहाँ ग्विज़्डो आता है जो उससे माफी मांगता है और वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं जिसमें लियानचू ग्विज़्डो से पूछता है कि क्या हमारे पास भी कभी एक फार्म होगी। तो ग्विज़्डो उससे कहता है कि हाँ जरूर होगी। तो लियानचू कहता है कि मैं उसमें भेड़े पालूंगा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो लियानचू तुरंत उस आवाज की ओर जाने लगता है। तभी हम जूई को देखते हैं जो महान योद्धा गौथिक की तलाश में निकली होती है जिसके पीछे दो लिजार्ड लगे होते हैं जो अपने करंट से जूई को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जूई किसी तरह उनसे बचते हुए भाग रही होती है। और जैसे ही वो लिजार्ड जूई को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ लियानचू आ जाता है जो जूई को बचा लेता है और अपने मॉम के बुनाई स्टिक से उन दोनों लिजार्ड को आपस में ही शॉर्ट सर्किट करा देता है जिससे उन दोनों लिजार्ड की मौत हो जाती है। और जब जूई लियानचू को देखती है तो वो खुश हो जाती है क्योंकि जूई को लगता है कि लियानचू ही योद्धा गौथिक है। तभी वहाँ ग्विज़्डो आता है
जो जोई से कहता है कि हमारे दोस्त ने तुम्हारी जान बचाई, इसीलिए तुम्हें 30 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। तो जोई कहती है कि उसके पास सोने के सिक्के नहीं हैं। तभी जोई कहती है कि वो अपने अंकल के लिए एक योद्धा ढूंढ रही है जो बहुत अमीर भी हैं। ये बात सुनकर ग्विज़्डो बहुत खुश होता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि लियांचु ग्विज़्डो और उनका डॉगी जोई के साथ उसके अंकल के पास जा रहे होते हैं। रास्ते में ग्विज़्डो जोई को लियांचु के बहादुरी के किस्से सुनाता है, जिसे सुनकर जोई बहुत खुश होती है और ग्विज़्डो से कहती है कि ये बहुत महान है, बिल्कुल सिल्वर योद्धा गौथिक की तरह। वो लोग जोई के अंकल के महल तक पहुंच जाते हैं और जब वो लोग महल के अंदर जाते हैं तो लॉर्ड आर्नोल्ड गिल्डास से पूछता है कि ये लोग कौन हैं। तो गिल्डास उन्हें बताता है कि आपकी भतीजी और दो बेकार लोग हैं। तो जोई उन्हें बताती है कि ये एक महान योद्धा है जिन्होंने उसकी जान बचाई। तो आर्नोल्ड जोई को डांटकर उसके कमरे में भगा देता है और उसके बाद वो लियांचु को अपने पास बुलाता है और उसके बॉडी को टच करते हुए कहता है कि इसमें योद्धा के सारे गुण हैं और उनसे कहता है कि तुम लोगों के लिए उसके पास एक बहुत बड़ा काम है। और उन सबको लेकर एक सीक्रेट रूम में जाता है जहां उन्हें अपना अनोखा कैलेंडर दिखाते हुए वो बताता है कि हर 20 साल बाद वर्ल्ड गॉबलर नाम का एक ड्रैगन जागता है और पूरी दुनिया में तबाही मचा देता है। आर्नोल्ड उन्हें बताता है कि उसने वर्ल्ड गॉबलर को देखा है। एक बार जब उसने उसके खिलाफ तलवार उठाई तो उसकी आग की तेज लपटों ने हमेशा के लिए उसे अंधा बना दिया। जब लियांचु उस ड्रैगन को देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि बचपन में उसी की वजह से उसके मॉम डैड की मौत हुई थी। तभी आर्नोल्ड की बातें सुनकर ग्विज़्डो उन्हें मना कर देता है, पर उसके बदले में आर्नोल्ड उन्हें बहुत सारे सोने के सिक्के ऑफर करता है। तो ग्विज़्डो मान जाता है और ड्रैगन को मारने के लिए वो लियांचु के साथ पश्चिम दिशा में दुनिया के आखिरी छोर की ओर निकल जाता है। महल के बाहर निकलते ही ग्विज़्डो लियांचु को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन लियांचु उसकी बात नहीं मानता। और जब ग्विज़्डो अकेला ही जाने लगता है तभी वहाँ जोई आ जाती है, जो उन्हें बताती है कि उसे उसके अंकल ने भेजा है ताकि वो उनके साथ रहकर ड्रैगन हंटिंग सीख सके। पर ग्विज़्डो जोई को वापस जाने के लिए कहता है, पर वो कहती है कि अगर आप मुझे वापस भेजेंगे तो अंकल आपको सोने के सिक्के नहीं देंगे। वो लोग अभी ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे लाल बैट्स आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। वो लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। छोटी होने के कारण जोई को लेकर लियांचु भागने लगता है। तभी वो लाल बैट्स एक लाल ड्रैगन का रूप ले लेते हैं जो लियांचु और जोई पर आग बरसाने लगते हैं, लेकिन लियांचु जोई को लेकर छुप जाता है और मौका पाते ही लियांचु जोई को लेकर वहाँ से बचकर भाग जाता है। और जैसे ही वो लाल ड्रैगन उनके पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार वो बच जाते हैं। तो जोई लियांचु की बहुत प्रशंसा करती है, पर जोई के लगातार बात करने से परेशान होकर ग्विज़्डो उसे वापस घर जाने को कहता है, लेकिन तभी उसके घर जाने का रास्ता उनके सामने ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और इस प्रकार उन्हें ना चाहते हुए भी जोई को अपने साथ ले जाना पड़ता है। और रास्ते में ग्विज़्डो जोई के बकबक से बहुत परेशान होता है। तो रात में वो लियांचु से कहता है कि जब जोई सो जाएगी तो वो उसे इस जंगल में छोड़कर चले जाएंगे। तभी जोई उनसे कहानी सुनाने को कहती है, तो ग्विज़्डो तुरंत कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि जोई जल्दी से सो जाए और वो उससे अपना पीछा छुड़ा ले। और जब कहानी खत्म हो जाती है तो जोई सो जाती है और ग्विज़्डो लियांचु से वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन लियांचु नाटक बनाकर सो जाता है ताकि जोई को अकेले जंगल में ना छोड़ना पड़े। और अगली सुबह वो लोग पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें जोई के अंकल लॉर्ड आर्नोल्ड का एक योद्धा लिंस्प्रे मिलता है जो किसी चीज से डरकर पागलों की तरह व्यवहार कर रहा था। और जब जोई उसे ये बताती है कि हम लोग वर्ल्ड गोबलर को मारने जा रहे हैं तो वो उन्हें पागल कहते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो एक बहुत ही विचित्र स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ के शैतान एक जहरीली गैस छोड़ रहे थे। तभी लियांचु को किसी चीज के गिरने का आभास होता है और जब वो लोग ऊपर देखते हैं तो उन पर कटीले गोले गिरने वाले होते हैं। तो लियांचु जोई को लेकर वहाँ से बचते हुए भागने लगता है। तभी वहाँ उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसके अंदर वो सभी लोग चले जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे दुनिया का आखिरी छोर दिखाई देता है और जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें वो लाल बैट से एक बार फिर से दिखाई देते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। वो किसी तरह अपने आप को उन बैट से बचाते हैं। और जब लियांचु छुपने के लिए एक कमरे में जाता है तो वहाँ बहुत सी भीड़े होती है जिसमें से एक छोटा सा भेड़ का बच्चा भी होता है जिसे लियांचु अपने हाथ में लेकर भागने लगता है। और जब वो बैट अपने असली रूप ड्रैगन में आते हैं तो उसका सिर और एक पैर गायब हो जाता है क्योंकि उसके सिर के हिस्से के बैट्स एक कमरे में बंद होते हैं और उसके एक पैर के हिस्से के बैट्स ग्विज़्डो के पीछे लगे होते हैं। इसी बात का फायदा उठाते हुए लियांचु उस ड्रैगन को उसी की मदद से मार देता है। उस ड्रैगन के मारे जाने पर जोई बहुत खुश होती है और उसके बाद जोई लियांचु को बताती है कि जब वो खतरे में थी तो ग्विज़्डो ने उसकी मदद नहीं की। इस बात से लियांचु ग्विज़्डो से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तो ग्विज़्डो उसे मनाने के लिए उसके पास जाकर उसके फ्यूचर फार्म हाउस के बारे में बातें करने लगता है। तो लियांचु कहता है कि ड्रैगन वर्ल्ड गोबलर जब मारा जाएगा तो हम अपना फार्म खोलेंगे
तो गुइडो उससे कहता है कि तुम एक छोटी सी लड़की के चक्कर में अपनी जान दोगे, वर्ल्ड गोबलर कोई छोटा सा बच्चा नहीं है जो आसानी से मारा जाएगा। तो लियांचू उससे कहता है कि यदि तुम्हें डर लग रहा है तो तुम घर वापस क्यों नहीं चले जाते। तो गुइडो लियांचू से नाराज होकर कहता है कि वो जा रहा है और वो वहाँ से चला जाता है। तो जोई लियांचू से कहती है कि आप रियल में सिल्वर योद्धा गौतिक से ज्यादा बहादुर हैं और अगर गुइडो जा रहा है तो जाने दीजिए। पर लियांचू जोई से कहता है कि गुइडो उसका एक इकलौता दोस्त था और लियांचू उसके जाने से काफी दुखी होता है। उसके बाद हम गुइडो को देखते हैं जो उदास मन से अपने घर की ओर जा रहा था और इधर लियांचू उसे बहुत मिस कर रहा था। और जब गुइडो रास्ते में होता है तो उसे दो बोलने वाले जानवर मिलते हैं जो उसे बहुत परेशान करते हैं। तभी उसे लॉर्ड अर्नॉल्ड की बातें याद आती है जिन्होंने उसे बताया होता है कि जब ब्रिज गिरने लगे और बोलने वाले जानवर पैदा होने लगे तो समझ जाना कि वर्ल्ड गोबलर आने वाला है। तभी गुइडो अचानक से उस ब्रिज से नीचे गिरने लगता है लेकिन तभी वहाँ लियांचू आ जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद लियांचू वहाँ आग की कुछ लपटों को देखता है तो वो तुरंत जोई के पास जाने लगता है और उधर जोई और उसके डॉग को भी वो आग की लपटें नजर आती है जिसे देखकर वो लोग डरने लगते हैं और वो भेड़ों के बीच जाकर छुप जाते हैं। तभी वहाँ लियांचू आ जाता है जिसके साथ गुइडो भी होता है। तो जोई लियांचू को बताती है कि गांव के नीचे कुछ अजीब सी चीजें हो रही है। तो लियांचू अपनी तलवार लेकर उन आग की लपटों को देखने जाता है और इधर गुइडो लिंस्प्रे की तरह अजीब हरकतें करने लगता है। जोई लियांचू को गुइडो की हरकतों के बारे में बता ही रही होती है कि वहाँ बहुत से विस्फोट होते हैं जिसमें से जलती आग की लपटों के साथ बहुत से ड्रैगन निकलते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। तो लियांचू अपनी तलवार की मदद से उन ड्रैगन का सामना करता है। तभी उनका वो गांव एक अन्य स्थान से टकरा जाता है और थोड़ी देर बाद हम गुइडो को देखते हैं जो नॉर्मल हो गया था और वो जोई को पुकार रहा था। तभी वहाँ उनका डॉगी आता है और उसको जोई के पास ले जाता है जहाँ जोई नीचे पड़ी होती है। और जब गुइडो जोई के पास जाता है तो वो उसे बताती है कि उसका पैर उसे महसूस नहीं हो रहा है और वो मरने का नाटक बनाते हुए उन लोगों से कहती है कि जिंदगी भले ही परियों की कहानी नहीं लेकिन आप लोग मेरे रियल हीरो हो, बस उन लोगों को खुद पर विश्वास होना चाहिए। उसके बाद जोई गुइडो से कहती है कि वो उससे वादा करे कि वर्ल्ड गोबलर को हराने में वो लियांचू की मदद करेगा। और जैसे ही वो उससे वादा करता है जोई तुरंत उठकर बैठ जाती है। दरअसल जोई गुइडो को लियांचू का साथ देने के लिए ये सब नाटक कर रही थी। तो गुइडो जोई की इन हरकतों से डर जाता है। उसके बाद गुइडो कहता है कि इन बातों को छोड़ो, चलो वर्ल्ड गोबलर को मारते हैं। और उसके बाद सभी लोग वर्ल्ड गोबलर की तलाश में निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें बहुत ही भयानक आवाज सुनाई देती है। तो गुइडो लियांचू से पूछता है कि ये किस चीज की आवाज है। तो लियांचू से बताता है कि ये वर्ल्ड गोबलर के खराटे की आवाज है। इससे पहले कि वो जाग जाए हमें उसे ढूंढना होगा। और जब सभी लोग उसे ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ की एक इमारत टूटकर एक घंटे पर जा लगती है जिसकी शोर सुनकर वर्ल्ड गोबलर जाग जाता है। वो इतना भयानक और बड़ा होता है कि सभी लोग उसे देखकर डर जाते हैं और वो उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देता है। तो सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वर्ल्ड गोबलर उन्हें अपने मुंह से अपनी ओर खींचने लगता है पर लियांचू अपनी पूरी जान लगाकर वहां से निकल जाता है। लेकिन गुइडो जोई और उसका डॉगी उसके मुंह में जाने लगते हैं और जाकर वो लोग वर्ल्ड गोबलर के दांत को पकड़ लेते हैं। और इधर लियांचू एक चट्टान के पीछे छिप जाता है जहां उसे उसकी बचपन की बातें याद आने लगती है। और इधर जोई मदद के लिए लियांचू को आवाज देती है लेकिन लियांचू अपनी बचपन की यादों में खोया होता है जहाँ लियांचू उस ड्रैगन का चित्र बनाकर उसकी आंखों में अपनी मॉम की सिलाई स्टिक डालकर उसे मार दिया होता है। ये देखने के बाद लियांचू को थोड़ी हिम्मत आती है और वो वर्ल्ड गोबलर के सामने जाकर अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए कहता है। तो वर्ल्ड गोबलर उन्हें छोड़ देता है और उसके बाद वो उसके चारों तरफ आग लगा देता है और फिर लियांचू को अपने मुंह से अपनी ओर खींचने लगता है। पर लियांचू उनके दांतों के सहारे उसके ऊपर चला जाता है पर वर्ल्ड गोबलर उसे झटका देकर फिर से नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने के बाद लियांचू के मॉम का बुनाई स्टिक उसके हाथों से छूट जाता है पर किसी तरह लियांचू जाकर उसे ले लेता है। तभी लियांचू पर एक बड़ा सा चट्टान गिरने वाला होता है तो उससे बचने के लिए लियांचू वहां की खाई में छलांग लगा देता है। और जब वो नीचे गिर रहा होता है तो उसी समय उस बुनाई स्टिक को वर्ल्ड गोबलर की दोनों आंखों में मारता है जिसके लगने से वर्ल्ड गोबलर की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद बहुत तेज रोशनी आती है और जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखते हैं कि हवा में बहुत से खरगोश उड़ रहे होते हैं और सब कुछ हरा भरा हो गया होता है। ये सब देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं और वो अपने फार्म हाउस के लिए एक बहुत ही सुंदर स्थान को देखते हैं। उसके बाद वो लोग जोई के अंकल अर्नॉल्ड से पैसे लेने के लिए जाते हैं जिनकी आंखें अब ठीक हो गई थी और उनका महल भी अब सुंदर हो गया होता है। लेकिन उसके अंकल उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। तो जोई उन्हें बताती है कि लियांचू ने ही वर्ल्ड गोबलर को मारा है और इसी की वजह से वो ठीक हो पाए। लेकिन फिर भी जोई के अंकल नहीं मानते
और जोई को अपने कमरे में भेज देते हैं और लियांचू और ग्विज़्डो को पैसे दिए बिना ही वहाँ से निकाल देते हैं। जब वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो उनके पीछे जोई भी आ जाती है, जो उनके फार्म हाउस के लिए सोने के सिक्के भी लेकर आई होती है। ये देखकर ग्विज़्डो जोई को गले से लगा लेता है और इसके बाद वो लोग अपने फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।